Click on that red subscribe button and also press the bell icon for my latest videos. So hey guys, welcome back to my channel. I am Khushi and I am back with a new video. So in today's video, I'm gonna talk about nail art without tools. So firstly, I'm starting with my first nail art. Today I am doing two nail arts, जिसमें मैं दोनों में टूथपिक का यूज़ करूँगी और एक में मैं सेलो टेप का यूज़ करूँगी. तो मेक श्योर आपके पास ये दोनों चीज़ें हो और ये फैब्रिक कलर्स हो. अगर आपके पास नहीं है तो पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हो, बस वाटर कलर मत यूज़ करना. तो सबसे पहले मैं इन दो फिंगर्स पे नेल आर्ट करूँगी. मैंने यहाँ पे मरून नेल पेंट अप्लाई की है, तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर पे मैं करूँगी. तो मैं टूथपिक की बैक साइड की हेल्प से या फ्रंट साइड की हेल्प से पहले मैं येलो कलर की डॉट्स लगाऊंगी गैप देख के प्रॉपर. तो मैंने मिडल में गाइडलाइन के लिए सेंटर में एक डॉट लगा ली है ताकि मुझे पता लगे कि बाकी डॉट्स मुझे कहाँ लगानी है. तो अब मैं वाइट कलर की हेल्प से फ्लावर की शेप देते हुए डॉट्स लगाऊंगी. पहले मैं 4 डॉट्स एक दूसरे के ऑपोजिट लगा रही हूँ ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए. उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस रहती है वहाँ वहाँ मैं डॉट लगा के फिल कर रही हूँ. तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, थोड़ा सिंपल है. अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मेरा सेकेंड नेल आर्ट ट्राई कर लेना, बट ये बहुत अच्छा लगता है. मेरा उस टाइम पे थोड़ा हाथ शिवर कर रहा था बिकॉज मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मैं राइट हैंड से नेल आर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड के नेल्स बड़े हैं. तो अगर मेरा हाथ शिवर करे तो प्लीज़ अवॉइड करना. तो जैसे जैसे सारे फ्लावर्स बनते जा रहे हैं, ये इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है. आपके पास जो भी सामान हो घर पे, अगर आपके पास बॉबी पिन है या हेयर पिन है, अगर आपके पास पेंसिल है, ब्लंट पेंसिल है जो यूज़ की हुई है, खाली पेन है, उससे भी आप डॉट्स लगा सकते हो. अगर बाई चांस टूथपिक ना है तो आप कुछ भी, अगर आपके नेल ज़्यादा बड़े हैं तो आप ईयरबड की हेल्प से जो सेंटर येलो डॉट है वो लगा सकते हो. सेकेंड नेल आर्ट जो है वो मैं एक सेलो टेप की हेल्प से कर रही हूँ. अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है, डॉक्टर टेप है, तो आप डॉक्टर टेप यूज़ कर सकते हो. या अगर कोई जैसे स्कूल वाली नेम स्लिप्स होती हैं उसकी स्ट्रिप्स काट के आप लगा सकते हो. या मैं यहाँ पे वैसे स्टिकर भी यूज़ करूँगी जिस पे प्राइस लिखते हैं. तो सेलो टेप को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट डॉक्टर टेप ईजिली हैंडल हो जाती है और वो रिमूव भी ईजिली हो जाती है. सेलो टेप से कई बार नेल पेंट रिमूव हो जाती है, तो मेक श्योर जब भी आपकी नेल पेंट पूरी तरह ड्राई हो जाए तब आप ये सेलो टेप अपने नेल्स पे अप्लाई करना. यहाँ मेरे पास ये वाले स्टिकर्स हैं, तो अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है, अगर आपके घर में ये वाले स्टिकर्स है तो आप ये यूज़ कर सकते हो. या कई बार आपके घर पे बच्चों के पास नेम स्लिप्स होती हैं नोटबुक्स पे लगाने वाली, आप उसकी स्ट्रिप्स काट के भी लगा सकते हो. तो यहाँ मैंने एक नेल पे 4 स्ट्रिप्स लगाई हैं और जो लेफ्ट और राइट साइड का जो गैप है, मिडल वाले को छोड़ के जो गैप है बाकी जगह पे, वहाँ मैं ये डार्क ब्लू कलर की नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ. आप कोई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. आप बेस कलर कोई भी लगा सकते हो, मैंने वाइट लगाया है ताकि वो थोड़ा पॉप आउट हो नेल आर्ट, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. और मैंने यहाँ ब्लू नेल पेंट अप्लाई करी है. अब मैं जो मिडल वाला पोर्शन खाली है वहाँ पे ग्लिटर नेल पेंट अप्लाई करूँगी. अगर आपके पास नेल ग्लिटर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो. तो नेल पेंट की ग्लिटर मैं यहाँ डैब डैब करके अप्लाई करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लिटर स्टिक हो नेल पे, क्योंकि कई बार सिर्फ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लग जाती है बट ग्लिटर नहीं लगते. तो ये एक ट्रिक है कि आप उसको डैब डैब करके अप्लाई करो, वो ईजिली लग जाएगा. आज मैं दो ही नेल आर्ट बता रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आने वाली वीडियोज़ में और भी नेल आर्ट बताऊँ बिना टूल्स के, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं बिना टूल्स के नेल आर्ट. हर किसी के पास टूल्स नहीं होते. जो मैंने बाकी नेल आर्ट कंप्लीट किया ये वाला, वो
वो मेरे पास नेल आर्ट की टेप आती है बहुत पतली, तो अगर आपको वो नेल आर्ट चाहिए तो आप मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैं उन टेप्स का गिव अवे करूँगी।